सो गाइस, आज हमारे पास VW ग्रुप की सबसे फेवरेट कार पोलो आई हुई है। सबको पता है कि ये गाड़ी जब इंडिया में लॉन्च हुई तो एकदम सुपर हिट कार थी। इनफैक्ट आई थिंक अराउंड 2010-11 में शायद इस गाड़ी ने लॉन्च किया था इंडिया में, और आई रिमेम्बर दैट टाइम इट यूज़ टू बी हॉट केक। मतलब शायद 2-3 हज़ार गाड़ियाँ पर मंथ बिक रही थी, जहाँ तक मुझे उस टाइम का डेटा याद है। बट वन ऑफ द फेवरेट कार ऑफ इंडियंस, और लोगों ने इतनी गाड़ी ये खरीदी थी, और इनफैक्ट आज भी काफ़ी सारे लोग हैं जो ये गाड़ी चलाते हैं। बट एक्चुअली इसमें थोड़ा रीज़न हुआ, ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ धीरे धीरे VW ग्रुप ने डिसकंटिन्यू की। तो अगर आज आप पोलो खरीदने जाएंगे या इवन वेंटो खरीदने जाएंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगी। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई। VW ग्रुप की कोई भी कार आप देखोगे तो दे आर ऑल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सेफ्टी ओरिएंटेड, और लोगों को चलाने में पसंद आती थी। बट जैसे जैसे आई थिंक कोरियन ब्रांड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस होते गए, सो उन्होंने फोकस थोड़ा चेंज कर दिया। मोर देन परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी, दे ट्राइड कॉन्सेंट्रेटिंग एंड फोकसिंग ऑन फीचर्स। तो बहुत सारे फीचर लोडेड कार आने लग गई। उस रीज़न से कहीं ना कहीं जर्मन की ये वाली जो गाड़ी है उससे लोगों का ध्यान हट गया। 2015-16 ऑनवर्ड्स आई थिंक उनके सेल्स काफ़ी ड्रॉप होने लगे, एंड वॉट आई रिमेंबर 2021-22 में उन्होंने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया इंडिया में। सो आज की तारीख में जो भी वेंटो और पोलो रखते हैं, दे हैव सम एक्सक्लूसिव कार विच इज़ नॉट अवेलेबल नाउ। और हमारे एक कस्टमर भी वैसे ही हैं जिनके पास ये गाड़ी है, और उन्होंने डिसाइड किया इस गाड़ी को बेचना नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजन्स, और ही वॉन्टेड टू रिस्टोर इट। और उनका एक चीज़ था कि उनको बहुत ज़्यादा हैवी मॉडिफिकेशन नहीं करना था, उनका रिक्वायरमेंट था कि इसको जितना हो सके उतना ओरिजिनल लुक में रखना। एज आई हैड सेड कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि बहुत ज़्यादा हैवी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, तो हमने इसमें स्टॉक रिलेट जितने भी स्टॉक चीज़ें आती है वही की है। तो हमने इसमें GTI किट इंस्टॉल किया है, जिसमें फ्रंट बम्पर, रेयर बम्पर, ग्रिल ये चेंज हुआ है, और साथ साथ में इसकी हेडलाइट्स भी जो हमने डाली है वो भी एकदम न्यू शेप वाली है, जो डबल DRL वाली है वो हमने इसमें यूज़ की है। टेल लाइट भी हमने LED वाली डाली है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गाड़ी में देख के ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है। इंटीरियर भी उनका रिक्वायरमेंट था कि एकदम स्टॉक जैसा लगना चाहिए, तो हमने इंटीरियर भी उसी हिसाब से किया हुआ है। बट काफ़ी डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। अगर आपको ज़्यादा मॉडिफिकेशन वाला कुछ करना है तो हमारा वेंटो का वीडियो देखिए जो हमने येलो कलर में किया है, और उसका कलर भी वेगास येलो है, जिसमें हमने पूरी गाड़ी को एकदम स्पोर्टी बना दी है अंदर बाहर दोनों से। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके पास ऐसी कोई कार है तो प्लीज़ आप हमें विज़िट करिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो अभी आइए देखते हैं गाड़ी कैसी लग रही है।
सो गाइस फाइनली द कार इज रेडी और काफ़ी टाइम के बाद हमको पोलो पे काम करने मिला, दैट्स वाई वी थॉट कि हम इसका वीडियो बनाएं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम प्रॉपर ब्रांड न्यू पोलो है, बट नहीं, ये ओल्ड पोलो है जिसको हमने फेस लिफ्ट किया हुआ है। एंड लुक एट दिस, बहुत सही लग रही है। इसमें हमने कंप्लीट GTI का जो किट आता है वो डाला है। ओनली चेंजेस कि जो इसका ग्रिल है वो हमने GTI का नहीं यूज़ किया है, बिकॉज कस्टमर वॉन्टेड अ सिंपल वन। तो हमने ग्रिल जो है वो रेगुलर डाला हुआ है। बट फ्रंट बम्पर, फॉग लैम्प कवर, एवरीथिंग अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज की हुई है। इनफैक्ट इसकी हेडलाइट भी आप देखेंगे तो आफ्टर मार्केट की हेडलाइट है विद ड्यूअल DRL, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को और ज़्यादा स्पोर्टी बना रही है। इनफैक्ट ये पूरी गाड़ी को हमने पेंट भी किया हुआ है, और जिनके पास भी पोलो है वो जानते हैं कि पोलो वेंटो ये गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है, एंड दैट्स वाई पीपल डोंट वॉन्ट टू सेल इट। सो उसी रीज़न से कस्टमर ने भी बोला कि हम इसको बेचना नहीं चाहते, इसको रिस्टोर करेंगे, काफ़ी हद तक ओरिजिनल टू कंपनी लुक में रखना है, दैट्स वाई वी फेस लिफ्टेड टू GTI मॉडल। तो पूरी गाड़ी आप बाहर से देखेंगे तो आपको ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन में लगेगी। जब GTI किट डालते हैं तो उसमें पीछे का बम्पर जो है वो भी हमको चेंज करना पड़ता है, तो इसका पूरा बम्पर पीछे का चेंज हुआ है। इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे तो ये वाले पार्ट की वजह से तो और भी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। प्लस टेल लाइट है, ये भी हमने LED टेल लाइट डाली हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सटीरियर में की है, इसका इंटीरियर जो है वो भी हमने रिस्टोर किया हुआ है। सो अभी आप देखेंगे तो इसके सीट कवर जो है वो कस्टम मेड सीट कवर है, प्लस स्टेयरिंग व्हील जो है वो भी हमने जेन्युइन लेदर में हैंड स्टिच किया हुआ है। तो जितने भी आप सीट कवर देख रहे हैं, दीज आर ऑल प्रीमियम क्वालिटी कॉम्पोजिट लेदर। साइड में आर्म रेस्ट जो देखेंगे डोर का, तो ये भी हमने पूरा का पूरा इसमें लेदर किया हुआ विद ड्यूअल स्टिचेस। तो ये सारी चीज़ें हमने इंटीरियर में की है, मेजर चेंज नहीं किया बिकॉज कस्टमर वॉन्टेड टू रिस्टोर द कार, एंड दैट्स वाई वी हैव डन ऑल दिस चेंजेस। और ये पूरा काम हमारे मुंबई के मरोल वाले वर्कशॉप में हुआ है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कार है जो आपको रिस्टोर करनी है तो प्लीज़ विजिट अस। हमारे अभी टोटल 4 वर्कशॉप्स हैं, चारों के नंबर्स और एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और प्लीज़ बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगी। जिनके पास वेंटो या पोलो है आप भी प्लीज़ कमेंट करिए कि उनको गाड़ी रखनी चाहिए कि बेचनी चाहिए, एंड कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।